सफल वह क्या होगा जो निर्भर है गैरों पर, मंजिल उसे मिलती है जो चलता है अपने पैरों पर। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा आज मैं आपको एक महान भगवत प्रेमी राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो प्राचीन समय के अंदर भरत नाम का बहुत ही महान प्रतापी भगवत प्रेमी नाम का राजा हुआ, लेकिन अंतिम समय में एक हिरण के बच्चे से उनको मोह हो गया और अगले जन्म में फिर उनको हिरण की ही योनि मिली। लेकिन जब उन्होंने हिरण शरीर का त्याग किया तो उससे अगले जन्म में उन्होंने ब्राह्मण के घर लड़के के रूप में जन्म लिया। वो बच्चा बचपन से ही जो है मोह माया से दूर था, क्योंकि मृग योनि का स्मरण उन्हें अभी तक बना हुआ था, क्योंकि भगवान के अंदर सच्ची निष्ठा रखने वाला ये बालक था। पिता वेद पाठी ब्राह्मण था, चाहता था कि बच्चे को खूब पढ़ाया जाए, गुरुकुल में भेजा गया, लेकिन बच्चे ने किसी भी कार्य में रुचि नहीं ली, क्योंकि इनका नाम इस जन्म में भी भरत ही हुआ। जड़ भरत के नाम से ये जाने गए, क्योंकि ये जड़ की तरह अंधे बहरों की तरह रहते थे, ना किसी की सुनते थे, ना किसी की मोह माया में पढ़ते थे। इनके सौतेले भाई भी थे, वो तो पढ़ लिख कर कर्मकांडी विद्वान बन गए, लेकिन इनको गुरुकुल में भेजा गया, इन्होंने गायत्री मंत्र को भी ठीक ढंग से बोलना नहीं सीखा। पिता बेचारे निराश हो गए और कुछ समय बाद उनका स्वर्गवास हो गया। अब सौतेले भाइयों ने देखा कि ये तो कोई काम तो करता नहीं है, इसलिए उन्होंने घर से उसे बाहर निकाल दिया। अब वे लोगों से भिक्षा मांगकर, कभी बेगार करके, कभी मजदूरी करके अपना पेट पालन करने लग गए। जो भी रूखी सूखी मिल जाती उसमें ही मस्त रहते थे, जड़ों की तरह जो है आचरण करते थे। बस एक कपड़ा उन्होंने लपेट रखा था और ऊपर जनेऊ धारण करते थे। लोग देखते थे कि आचरण तो इनके है नहीं ब्राह्मण जैसे, लेकिन जनेऊ धारण किया इसलिए ये ब्राह्मण है। उन्हें वो भी बहुत कुछ कहते, लेकिन ये मोह माया से दूर रहते थे। जब इन्होंने भिक्षा मांगकर जो है खाना खाना शुरू कर दिया, तब सौतेले भाइयों ने देखा कि ये इस प्रकार कर रहे हैं जिससे हमारी निंदा हो रही है। तब उन्होंने अपने खेतों में इनको काम करने के लिए लगा दिया, और जो भी बची कुची रोटी होती थी वो इसे दे देते थे, लेकिन ये उसी में ही प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है कि ये खेत के अंदर रखवाली कर रहे थे, तो लुटेरों का एक सरदार था जिसने ये संकल्प किया था कि अगर मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं माँ भद्रकाली को एक मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। अब उसने अपने साथियों को भेजा कि जाओ तुम किसी मनुष्य को पकड़ कर लाओ। उन्होंने एक मनुष्य को देखा भी, उसे पकड़ा भी, लेकिन मरने के भय से वो उनके चंगुल से निकलकर भाग गया। अब ये लुटेरे जो है ढूंढते ढूंढते वही पहुंच गए जहां ये जड़ भरत जी खेतों में रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा हिष्ट पुष्ट है, मोटा ताजा है, तो उन्होंने रस्सी से उसे बांधकर अपने मालिक के पास ले गए देवी की भेंट चढ़ाने के लिए। वो जो लुटेरों का सरदार था यानी कि उनका मालिक बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे जो है बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए गए, खाने के लिए जो है मिष्ठान दिए गए, स्वादिष्ट भोजन लाया गया। आज वह बड़ा प्रसन्न था, कहता कि पता नहीं क्या होने जा रहा है जो मुझे इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, मिठाइयां मिल रही हैं। उसे क्या पता था कि आज उसकी बलि दी जा रही है। फिर ढोल नगाड़ों से उसकी आरती की गई, वो बड़ा प्रसन्न। पुरोहित को बुलाया गया, पुरोहित ने मंत्रों उच्चारण करके जो है उसकी आरती उतारी, और जैसे बलि देने के लिए खड़ग उठाया तुरंत भद्रकाली जो है वहां प्रकट हो गई, और उन्होंने सबको मार दिया जितने भी वहां थे और अपने भक्त की रक्षा की। तो बेटा ये भरत जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए, महान प्रतापी थे। इनका यश जो है चारों तरफ फैला और उसी के नाम से हमारा भारत देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, भरत से। तभी तो कहते हैं कि ये भारत देश भरतों की भूमि है। यहाँ महान प्रतापी एक भरत नहीं अनेक भरत हुए हैं। तो कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली ऐसी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।